हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एडीएम ऑनलाइन क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल एनएलसर साइकोलॉजिकल हब। आई एम दीक्षा शर्मा। अब हम जो है ईवीएस एनसीईआरटी बेस के जितने भी मेन इम्पोर्टेंस पॉइंट होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। और हो सकता है कई चीज़ आपको बेसिक या कॉमन या बहुत सिंपल लगे तो उसको एज ए रिविजन देखना, कुछ अलग लगे तो प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कई आप वीडियो देखने के बाद भी देखोगे, एनालिसिस कर पाओगे कि कई पॉइंट या कई क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड पूछे गए हैं कई बार, तो प्लीज़ आप ध्यान देना उसको। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला यहाँ दिया है कि पानी में रहने वाले जीव, तो उसमें कुछ सिंपल एग्जांपल दिए गए हैं जो सबको मालूम होते हैं, जैसे मछली हो गए, मेंढक हो गए, बत्तख, हंस, कछुआ, ओके। बिल में रहने वाले जीव उसमें नेवला, छछुंदर, चूहे, सांप मेन होते हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा भी कुछ जीव होते हैं लेकिन मैंने कुछ का एग्जाम्पल लिखा है, ओके। पंख वाले जीव होते हैं या उड़ने वाले जीव, उसमें गौरैया, कोयल, तितली आती हैं। उसके अलावा रेंगने वाले जीव में आपके जो होते हैं वो सांप, गिरगिट, कछुआ आएंगे। और उसके अलावा पैर वाले या ज़मीन पर पाए जाने वाले जीव, तो उसे उसमें शेर, हाथी, गाय, बकरी, भालू, हम ह्यूमन बींग्स भी आएंगे, ओके। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल इनमें से दे दे, तो उसमें से पूछे कि ऑड वन या कौन सा ऐसा एक है जो अन्य से अलग है। तो बस आप एक नॉर्मल याद रखिए कि पानी में पाए जाने वाले जीव में ये कुछ एग्जांपल हैं, बिल में पाए जाने वाले जीव के कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आप क्लासीफाइड वहाँ पे क्लासीफाई कर पाओगे एग्जाम में, ओके। देखिए, पेड़ के तने पे रहने वाले जीव, ओके, इसमें होगा दीमक, चींटी एंड गिलहरी, ओके। अन्य जीव भी होते हैं इसमें, यहाँ मैंने कुछ जीव का एग्जाम्पल लिया है। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में रहने वाले थे, वे सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे इस प्रकार के, ओके। अगर एग्जाम में पूछे कि सूखे पत्तों से चित्र बनाने का आविष्कार किसने किया, तो विष्णु चिंचालकर, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में रहने वाले थे, ओके। बच्चों को कई प्रकार के क्रिएटिव सिखाए जाते हैं। इससे पहले हमने देखा है कि जैसे सूखे पत्तों से कई प्रकार के एनिमल्स बच्चे बनाना सीखते हैं, ओके। तो इसी प्रकार जो होते हैं पेड़ के तनों और पत्तों का छाप लेने के लिए मोम रंग और पेंसिल का उपयोग करते हैं, ओके, इस प्रकार के, ओके। इसके अलावा चूहों में देखने की क्षमता जो होती है बहुत कम होती है, परंतु सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। मीन्स उनमें जो होती है देखने की कैपेसिटी कम होगी, लेकिन इसके अलावा जो होती है सूंघने की, छूने के, स्वाद की जो कैपेसिटी उनमें ज़्यादा पाई जाती है, ओके। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान, ओके, की शुरुआत की गई, जो कि 2 अक्टूबर 2014 में इनकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। लेकिन किसके उपलक्ष्य में? गांधी जी के 150वें वर्षगांठ में, ओके। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा फर्ज भी है, ओके। ये कोटेशन याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंस है, केवल सीटेट के लिए नहीं, अन्य एग्जाम के लिए भी, ओके। में देखिए कुछ पकवान के नाम दिए गए हैं, जैसे लिंग हू फैन, ओके, ये हांगकांग का पकवान है जो कि सांप के मांस से बनता है, क्लियर। ये कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन से, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। कश्मीर में मछली जो होती है वो सरसों के तेल में बनती है, जबकि गोवा में मछली जो होती है वो नारियल के तेल में बनेगी, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसके अलावा भोजन पकाने के तरीके हैं, जैसे भून के, उबाल कर, तल कर, सेंक कर, भाप कर, ओके, ये कुछ तरीके दिए गए हैं भोजन पकाने के, ये सब आपके इम्पोर्टेंस हैं। केरल में दो चीज़ बहुत फेमस है, पहला क्या है? नारियल, दूसरा क्या है? टैपियोका। ये दोनों जो है हर घर के आंगन में उगाए जाते हैं या हर घर में पाए जाएंगे, ठीक है, और ये दोनों ही वहाँ के फेमस पकवान में एक हैं, ओके। और ये टैपियोका क्या है? टैपियोका जो है वह केरल में ज़मीन के नीचे उगाए जाएंगे इस प्रकार के। तो ज़मीन के नीचे उगाया जा रहा है तो ये किस पर क्या, कौन सा भाग होगा? रूट। हो सकता है ये क्वेश्चंस बन जाए या फेम हो जाए, लेकिन ये दोनों कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो स्पेशली इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़, ओके। अब कुछ पक्षियों के बारे में देखा जाए तो इसमें मोर जो है वो हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, सबको मालूम होगा, ओके।
जिसे ब्लैक काइट भी कहते हैं, चूहे खाती हैं और इनकी पूंछ जो होते हैं खांचे वाली होती हैं इस प्रकार। ओके, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पक्षी के जो पूंछ होते हैं वो खांचे वाली होती है, तो उसका ना होगा क्या, चील। ओके, कौन सी पक्षी चूहे खाती है, तो उसका आंसर क्या होगा, चील। ओके, गिद्ध मरे जानवर खाकर जगह साफ करने वाला पक्षी है। ओके, कठफोड़वा जिसे वुड पेकर भी कहते हैं, ये पेड़ के तने में छेद बनाकर छिपे हुए कीड़े खाने वाला पक्षी है। ओके, देखिए मैना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ओके, मैना जो है वो झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर पूछा जाए, हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए कि कौन सा पक्षी जो अपना गर्दन आगे पीछे करती है झटके में, तो आंसर क्या होगा, मैना। ओके, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। ओके, पक्षियों के पंख ओढ़ने की में मदद करने के साथ उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। ओके, और ये पंख जो होते हैं समय समय पे क्या होते हैं, झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। ये सभी जो पॉइंट हैं वो सभी EVS NCERT से लिया गया है और सभी मैक्सिमम इसमें से 3-4 जो हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हो सकता है आगे भी पूछे जाएं। ओके, अब देखिए ब्रेल या ब्रेल लिपि। ओके, ब्रेल लिपि की खोज सबसे पहले फ्रांस देश में रहने वाले लुई ब्रेल ने की, जिनका 3 साल में नुकीली औजार से आंखों में चोट लगने के कारण आंखों की रोशनी चली गई थी। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी, तो लुई ब्रेल ने, और वो ये कहाँ के रहने वाले थे, वो फ्रांस देश में रहने वाले थे। अब देखा जाए ब्रेल लिपि क्या है, तो ब्रेल लिपि क्या है कि जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। ओके, और ये ब्रेल लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है इस प्रकार, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो ये 6 बिंदुओं पे आधारित होती है, ठीक है। और इस तरह की लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु को छूकर पढ़ा जाता है। ओके, अब ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। ओके, तो ये जो ये आपकी 6 बिंदु हैं उस पर नुकीली औजार से क्या होता है, छेदा किया जाता है। ओके, तो वो उभर जो उसके दूसरे साइड को पे उसको स्पर्श करके लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे ए है तो ए लिखना है तो 1 पे वो उस नुकीले औजार से क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं, तो पीछे 1 बिंदु होगा तो वो लोग छू कर समझ जाएंगे कि ये ए लिखा है। बी होगा तो 1, 2, ठीक है। सी होगा तो 1, 4। डी होगा तो 1, 4, 5। ये पूछा नहीं जाएगा, ये अलग से बस मैं बता रही हूँ ऐसे कि 6 बिंदुओं पर ये लोग अपने राइट करते हैं और उसको अलग से पीछे के साइड पे उभरे हुए भाग को वो छू के उसको क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। ओके, अब हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखा जाए जो कि सीधे वहाँ जो मैंने इम्पोर्टेंस पॉइंट बताए हैं उसमें से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ओके, पहला देखिए जो कि दिसंबर 2019 में पूछा गया था, देखिए कछुआ घड़ियाल कौवा बत्तख मछली। ओके, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है, तो देखिए इसमें कछुआ घड़ियाल कौवा बत्तख मछली में से कौन सा जो है एक दूसरे से भिन्न होगा, ये अलग है, इसलिए मैंने पहले कहा था कि कुछ एग्जांपल्स बस याद रख लीजिए कि हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ ले कि इनमें से कौन सा अलग है, तो उनके रहने के निवास के आधार पर आप इसको अलग कर सकते हैं। देखिए इसमें से कौन सा आपको अलग लग रहा है, कछुआ भी पानी में पाया जाएगा, घड़ियाल भी पानी में पाया जाएगा, बत्तख और मछली भी पानी में पाए जाएंगे, कौवा लेकिन क्या एक प्रकार का पक्षी है जो कि आकाश से उड़ने वाले होते हैं, तो इसमें से कौन सा भिन्न हुआ, कौवा। ओके, सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए ये भी 2019 में पूछा गया दिसंबर के ही पेपर में, ठीक है, कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, मैंने पहले बोला था कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कौन से होगा इसमें ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में उल्लू कौवा बसंत गौर या मैना, तो इसका आंसर क्या होगा, मैना, मैना आपका राइट आंसर है। ओके, 87 ये भी दिसंबर 2019 में पूछा गया है कि यहाँ पे भोजन के नाम दिए गए हैं। ओके,
और शहर या राज्य का नाम दिया गया और अत्यधिक पसंद करने वाला भोजन के नाम दिए गए हैं। वहाँ पे कौन सा भोजन फेमस है उसके आधार पे इनका मिलान करना है। तो पहला ए है हांगकांग। तो हांगकांग में कौन सा भोजन वहाँ पे फेमस होगा? तो देखिए वहाँ पे क्या है, पकाया हुआ सांप खाया जाता है, लिंग हू फैन जिसका नाम है। तो ए का 5 हो गया। ए का 5 देखिए 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है। ओके अभी देखा जाए केरल, केरल में दो चीज़ फेमस है, नारियल और टेपियोका। ओके तो केरल में देखिए किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका। तो बी का वन किस में दिख रहा है आपको? सेकंड में दिख रहा है। ओके सेकंड में आपको बी का वन भी दिख गया। अब सी में क्या है? कश्मीर। कश्मीर में क्या होता है? सरसों के तेल में मछली बनाई जाती है। ओके तो इसका सी का सेकंड आपका ये है। ओके और गोवा में मछली जो समुद्री मछली मछली होती है वो क्या नारियल के तेल में बनाई जाती हैं। तो डी का टॉप की तो आपका कौन, ये सब कौन सा मैचिंग देख रहा है? सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ओके ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में पूछा गया है। ओके आप देख भी रहे होंगे। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो कहाँ का फेमस है? केरल का। ये कई बार क्वेश्चंस पूछे गए आप देखोगे भी। ओके किस राज्य में कसावा टेपियोका उगाया जाता है? मैंने पहले ही बताया कि केरल में नारियल और टेपियोका बहुत ज़्यादा फेमस हैं और ये वहाँ पे ही ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं या उगाए जाते हैं। ओके तो इसका आंसर क्या होगा? केरल। इसका भी आंसर केरल होगा। ओके ये मई 2016 में पूछा गया था। आप देख रहे हो कई बार रिपीट क्वेश्चन है ये सब। अब फरवरी 2015 में। ओके निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो नारियल के तेल में कौन कहाँ पे बनते हैं? गोवा में। इसका ऑप्शन क्या होगा? 1 गोवा। ओके अब ये फैब 2014 में पूछा गया है। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। लिंग हू फैन क्या है? सांप से बना हुआ पकवान है। तो वो छात्र कहाँ का हो सकता है, हो सकती है? तो कहाँ की हो सकती है? तो ये पहले ही डिस्कस हो चुका है, ये हांगकांग का फेमस भोजन है, तो वो हांगकांग की हो सकता है या हो सकती है। ओके ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। 86 ये क्वेश्चन फैब 2014 में पूछा गया है। ओके तो ब्रेल पहला है, ब्रेल को मोटे कागज़ पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ओके राइट यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है? नहीं, ये 6 बिंदु पर होती है। ओके तीसरा है, बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीली औजार से बनाई जाती है? यस इसी उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। सही है। तो आप देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही है। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आपके सही हैं, सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? रॉन्ग। ओके तो पहला तीसरा चौथा कौन से ऑप्शन में देख रहे हैं आपको? पहले ऑप्शन में। ओके ये आपका आंसर सही होगा। स्टेप नंबर 2014 में पूछा गया ये, निम्नलिखित समूह में उस समूह को चुनिए खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। ओके तो कौन सा तरीका सही है? खाना बनाने के कुछ तरीके के मैंने नाम बताए थे, उबाल कर गूंथ कर भून कर नहीं, सेक कर उबाल कर बेल कर नहीं, तल कर भिगो कर भून कर नहीं, सेक कर तल कर भून कर, ये सही है। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ओके सेक कर भी बनाते हैं, तल कर भी बनाते हैं, भून कर भी बनाएंगे। ओके अब देखिए 17 ब्रेल लिपि में मोटे कागज़, ये सितंबर 2014 में पूछा गया है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं या लिपि आधारित होती है? देखिए 6 बिंदु से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो कितने बिंदु पर आधारित होगा? 6 बिंदुओं पे। ओके अब 2014 में ही पूछा गया है, निम्नलिखित पक्षियों में कौन सी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? तो कौन सा होगा? मैना, उल्लू, कौवा, कोयल। तो
तो कौन सा पक्षी जो अपना गर्दन पीछे तक घुमा लेगा, तो उसमें कौन सा ऑप्शन है? उल्लू। ओके, उल्लू आपका राइट आंसर होगा। ओके, हमारे देश के नीचे किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर की आंगन में ही उगाते हैं? ओके, और उन्हें इनसे बने हुए खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बताया है कि नारियल और टेपियोका जो है वहाँ घर के मैक्सिमम हर घर में उगाए जाते हैं, हर घर के आंगन में पाए जाएंगे। तो कौन सा ऐसा देश है, राज्य है? तो क्या होगा? केरल। ओके, इसका फोर ऑप्शन आपका सही होगा। देख लीजिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है सितंबर 2014 में, कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं। ओके, तो इसलिए सभी इम्पोर्टेंस हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बी केयरफुल, बी सेफ। बाय बाय।